हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कृषि एपिक्योर। तो आज हम जा रहे हैं कलंगूट बीच में, और ये बहुत ही फेमस बीच है नॉर्थ गोवा का। और नॉर्थ गोवा का सबसे मेन अट्रैक्शन वाला जो बीच है वो यही बीच है, तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, तो हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी रेत है, और जैसे कि बीचेस से पहले रेत आती है, और हम बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं। और आगे बहुत खूबसूरत सा बीच हमें नज़र आ रहा है, और आपको आसपास का भी मैं कैप्चर करके दिखा रही हूँ पूरे चारों तरफ का कि कैसा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है दूर से बीच का सीन। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं गोवा में, तो आप बेस्ट टाइम कौन सा होगा यहाँ विजिट करने का। तो अक्टूबर से फेब के बीच आप आ सकते हैं, और यहाँ पर लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू ईट। तो यहाँ पर आप शैक बैठ सकते हैं एंड अपना ऑर्डर आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट कर सकते हैं, और जो कलंगूट बीच है वो लार्जेस्ट बीच है नॉर्थ गोवा का। तो और ये एक तरह से क्वीन ऑफ द बीचेस भी बोला जाता है। एंड इसकी दूसरी साइड बागा है, और एक तरफ कांदोलिम है, तो ये बीच में ही है, तो ये अच्छी बात है। बट हम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बीचेस में आते हैं तो धूप बहुत तेज़ होती है, आपको टैनिंग हो सकती है, तो आप सनस्क्रीन ले जाना ना भूलें अपना। अगर आप चश्मा पहनते हैं चश्मा पहने, और गॉगल्स हो सकते हैं, और अपना टोपी वगैरह कैप वगैरह वो ले जाना मत भूलें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बीच में जाने के लिए। और जब हम बीच में बिल्कुल पानी में होते हैं तो हमें इतना धूप का एहसास होता नहीं है, थोड़ा सा अगर हम हटते हैं तो हमें थोड़ा गर्मी लगती है, अदरवाइज़ तो अगर पानी के साथ होते हैं तो हमें इतना नहीं लगता। तो आप अगर सनस्क्रीन लगा सकते हैं तो आप वो ज़रूर लगाएं। एंड जो कलंगूट है बहुत हैपनिंग बीच माना जाता है गोवा का, तो हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है 41 किलोमीटर्स का रेंज है एयरपोर्ट से, तो उस बीच में आपको एक घंटे का ड्यूरेशन लग सकता है दाबुलिम एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने के लिए। तो कलंगूट बीच जो है वो मेन बीच है नॉर्थ गोवा का, और बहुत पॉपुलर भी है। और ऑब्वियसली जो बीचेस होते हैं वो मेन अट्रैक्शन हैं गोवा के। एंड यहाँ पर अगर टोटल बीचेस जो होंगे वो करीबन 35 बीचेस होंगे। एंड जो बीचेस हैं वो मैनी ऑफ देम यूनिक इन देयर वेरियस वेज। तो मुझे भी बहुत अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंस लग रहा है बीचेस में। तो कहीं आपको पाम ट्रीज दिखेंगे, कहीं आपको रेत थोड़ी अलग कलर की दिखेगी, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस नज़र ज़रूर आएगा बीचेस में। एंड बीचेस आर ग्रेट फॉर अ रिलैक्सिंग हॉलीडे, तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ। तो यहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया, फ़ोटोज़ कैप्चर की, वीडियो बनाई। आप भी आएँ इधर, बट अभी थोड़ा टाइम सही हो जाए तो ज़रूर आएँ। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। बीचेस की शानदार बात ये होती है कि जो वेव्स हैं वो आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, बहुत सुकून भरा ये टाइम होता है। और अगर आप दूर तक देखते रहते हैं जहाँ तक आपकी आंखें देख सके, तो पानी ही पानी नज़र आता है, तो ये बहुत ही बहुत पीसफुल आप कह सकते हैं, और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। वेव्स को देख के एक शायरी याद आ रही है कि जिस नज़ाकत से ये लहरें मेरे पैरों को छूती है, यकीन नहीं होता इन्होंने कभी कश्तियाँ डुबाई होंगी।
तो गोवा को लोग मॉनसून टाइम में नहीं रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जो वेव्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसी तो उस टाइम पे अगर आप स्किप कर सकें तो आप स्किप करें, और जो इनका सीज़न टाइम है उसी सीज़न टाइम में आएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कृषि एपिक्योर हियर साइनिंग ऑफ।